नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम न्यूज रूम में। आज हम न्यूज रूम में चर्चा करेंगे प्रदेश की कुछ खास और अहम खबरों की। ओर इसके पहले एमपी न्यूज के सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं महाशिवरात्रि की। आज के न्यूज रूम की हम शुरुआत करते हैं पॉजिटिव खबर से। इंदौर में होली से ज्यादा उत्साह जो मनाया जाता है वो रंगपंचमी को लेकर मनाया जाता है, और 22 मार्च को निकाले जाने वाली इस रंगपंचमी के लिए कई सारे जो गाइडलाइंस थे उसको पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि होने वाले हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि कोविड कम हो चुका है। इसके लिए जो हमारे माननीय सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने भी कहा था कि त्यौहार जो आने वाले त्यौहार हैं, आने वाले जो पर्व हैं, उन्हें खूब धूमधाम से मनाया जाए। इसी कड़ी में आज इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भी खास बात जो है यहाँ पर कही है। उन्होंने कहा है कि जिस रूट से रंगपंचमी निकलती है वहाँ पर फिलहाल जो है कुछ काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो वो जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ये भी कहा है उन्होंने, ताकि पारंपरिक तरीके से जिस रूट पर गैर निकलती है उसी रूट पर गैर निकाली जा सके और पूरी सुरक्षा का भी यहाँ पर लोगों का ध्यान रखा जाएगा और जो भी हितकर होगा उसी के अनुसार आगे निर्णय लिए जाएंगे। महाशिवरात्रि के अवसर पर खजराना गणेश मंदिर में कलेक्टर ने ये बात कही है। वहीं अब इस खबर से इंदौर वासियों में एक खास खुशी की लहर है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर रूट चेंज होता है तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होंगी, लेकिन जिस तरीके से पहले गैर निकाली जा रही थी उसी तरीके से उसी रूट पर गैर निकली जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। इंदौर से नई फ्लाइट शुरू होने जा रही है। फ्लाइंग विंग एयरलाइन इंदौर में मेघालय से शिलोंग और अरुणाचल प्रदेश के लिए पासीघाट के लिए मार्च के आखिरी सप्ताह में या फिर अप्रैल से फ्लाइट शुरू कर सकते हैं। ये फ्लाइट जो है वो महाराष्ट्र से संचालित हो सकती है। फ्लाइट विंग यानी कि पहली एयरलाइन से जिसे इंदौर से ही अपना बेस बनाया है। यहाँ लॉकडाउन के बाद फ्लाइट्स का जो संचालन है वो शुरू होने वाला है। इसमें पहले चरण में महाराष्ट्र से गोंदिया और फिर दो और रूटों पर फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर के लिए पानी लाने की योजनाएं जो है वो शुरू हो चुकी है। केंद्र सरकार की अमृत यानी कि अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना के तहत वर्ष 2025 तक नर्मदा का 360 एमएलडी पानी और मिलने लगेगा। 1550 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए जलुंद से नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा और नए बूस्टर पंप डालकर भी लाइन को बिछाया जाएगा। यह योजना 2025 तक शहर की जनसंख्या 35 लाख होने के अनुमान को लेकर बनाई गई है, जिससे कि गर्मियों में भी अधिकतर देखा जाता है कि पानी की समस्या आती है। ऐसे में अब ये जो नया प्लान जो शुरू होने जा रहा है जो 2025 तक कंप्लीट होने का है, इससे काफ़ी ज़्यादा सुविधा लोगों को मिलेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से अनाथ बच्चों को सेंट्रल स्कूल में मुफ्त प्रवेश मिला जाएगा। जिले में कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को अब केंद्रीय विद्यालय में निःशुल्क दाखिला मिलेगा। कलेक्टर द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में मंजूरी मिल गई है, तो वहीं सभी स्कूलों को भी निर्देश दे दिए गए हैं कि जिन बच्चों का प्रवेश हुआ है उनके लिए जनसहयोग से स्कूल यूनिफॉर्म, कॉपी किताबें आदि जो व्यवस्थाएं हैं वो करी जाए। साथ ही साथ केंद्र विद्यालय क्रमांक 1 का कार्यकल्प भी हुआ है। वहीं स्कूल में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही बैडमिंटन एवं जो स्केट बोर्ड्स हैं वो भी शुरू होने जाएंगे, ताकि बच्चों को स्पोर्ट्स के तरफ भी उनका जो रुचि होती है उसे भी बढ़ावा दिया जाए और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी वो नंबर वन आए, उसके लिए भी जो कोशिश है वो करी जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंदौर में शुरू होगी साइकिल ऑन रेंट सुविधा। AICTSL द्वारा शहर में रेंट पर साइकिल्स उपलब्ध जो है वो कराई जाएगी और ये सुविधा जो है वो शुरू की जा रही है। इसका किराया 10 घंटे के लिए 10 रुपये और 24 घंटे के लिए 20 रुपये रहेगा। ये सुविधा एप बेस्ड रहेगा और इसके लिए साइकिल आपको अनलॉक करनी होगी। साइकिल में GPS ट्रैकर होने के कारण आप कहीं गुम या चोरी होने की संभावना नहीं रहेगी। रियल टाइम डैशबोर्ड से साइकिल की लोकेशन या कितने दिन कितना चली है ये भी पता चल जाएगा। फिलहाल जो BRTS है वहाँ के 20 स्थानों पर इसे लगाया गया है, स्टैंड का संचालन करा गया है और आने वाले कुछ ही दिनों में ये सुविधा जो है वो शुरू करी जाएगी। साइकिल के एंड पर आपको QR कोड जो है वो स्कैन करना होगा और जो ऐप है उसे डाउनलोड करना रहेगा। इसी के साथ ही जो रेंट यहाँ पर बताया गया है कि कितने में आपको वो साइकिल मिलेगी ये भी हम आपको बताते हैं कि 10 घंटे के लिए आपको 10 रुपये देने रहेंगे और 24 घंटे के लिए आपको 20 रुपये इस साइकिल के वहाँ पर अप्लाई करने रहेंगे। आपको ऐप डाउनलोड करके ये सुविधा साइकिल की जो है वो मिल पाएगी। इस न्यूज़ रूम में बस इतना ही। बाकी सारी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी ना भूलें।